कोडरमा घरेलू विवाद में डकैती की धारा के तहत बीते कुछ दिनों पूर्व चंदवारा थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। आरोपियों को चोरी के आरोप में जेल भेज दिया गया है। घर की महिलाओं ने पुलिस कप्तान कोडरमा से ये गुहार लगाई है कि घरेलू विवाद में घर के लोगों को लूट की धाराओं में जेल भेज दिया गया है, जो सरासर गलत है। मामले की निष्पक्ष जाँच कर उचित कार्रवाई की जाए। जिले के पुलिस अधीक्षक से पीड़ित ने फरियाद की है कि महिलाओं ने कहा कि पति के जेल जाने के बाद घर में छोटे छोटे बच्चे, उनका भविष्य अंधकार में चला जाएगा। परिवार के लोगों ने पुलिस कप्तान कोडरमा को आवेदन दिया मामले की निष्पक्ष जांच की जाए। यही मामला है कि हम लोग का रोड में जमीन गया है ना, उसी का पैसा जो मिला है, हम लोग सास से मांगने लगे तो पैसा नहीं दे रही, और सब बेटे के लिए मतलब कर रही है। और मेरी ननद भी जो है, जब से शादी हुआ है मुश्किल से लगता है 6 महीने अपने ससुराल में रही हुई, उसके बाद यहीं बस गए और हम लोग को लड़ाई झगड़ा करके घर से बाहर कर दिए। घर से बाहर करने के बाद हम लोग घर अपना अपना फिर जो है किराए पर रह के अपना जो भी, उसके बाद जब पैसा मिला तो मांगने आए तो इसी में केस कर दिए डकैती। तो हम अपना बाप की संपत्ति लेने में सर डकैती का केस लगाई है, उसी में डकैती का केस लगा दिया और हस्बैंड को जेल भेज दिए सर। और बताइए, देखिए छोटा छोटा बच्चा है हम लोग का, अब कैसे हम लोग अपना घर चलाएं, बताइए सर। यही सब बात है। और ये जो है बहुत सारा मतलब कि जेवर ले लिया गया ना, हम ही लोग का जेवर था सर, मान लो कि, और जब मांगने गए तो वही जेवर गहना का आरोप लगा के। यही चाहते कि उचित कार्रवाई हो, प्रशासन सबसे मिले हैं, ISP साहब से भी मिले हैं, और चाहते हैं निष्पक्ष रूप से कार्रवाई हो उन लोग के ऊपर भी जो भी हो सर। सर यही सब आवेदन दिए कि हम ही लोग अपना सामान जो लेने गए, और इसी में ननद और सास मिलके हम लोग के हस्बैंड को मतलब चोरी केस में फंसा दी कि मेरा सामान है, और हम ही लोग का सामान जो जेवर जो फंसा है, हम लोग का ही सामान रख ली और हम लोग को बाहर कर दिया जेवर कर दी सर। निष्पक्ष रूप से जो जाँच हो सर, जाँच की प्रक्रिया हो अच्छे से, और यही सब चाहते हैं अच्छा से जाँच पड़ताल हो। मुकेश गोस्वामी, कोडरमा, R9 भारत। 13 दिसंबर को दिव्य काशी भव्य काशी कॉरिडोर का प्रधानमंत्री के लोकार्पण को लेकर राजमहल विधायक अनंत ओझा ने अपने कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि आदिकाल से हमारा देश अनेक पुरातन साझा संस्कृति को जोड़ा हुआ है। दक्षिण भारत में जन्मे आदिगुरु शंकराचार्य देश की एकता को जोड़ते हुए उन्होंने 4 धाम की स्थापना की थी, उसी प्रकार से संस्कृति रूप से जुड़ा हुआ भारत के अंदर 12 ज्योतिर्लिंग अलग अलग राज्यों में हमारे यहाँ स्थापित हैं। आजाद भारत के पूर्व जो हमारे मान बिंदु के प्रतीक थे, सांस्कृतिक रूप से सनातन भारत की जो संस्कृति थी उसके माध्यम से पूरे देश को जोड़ने का कार्य किया गया था। 12 ज्योतिर्लिंग के माध्यम से 4 धाम हो या अनेक सनातन संस्कृति धार्मिक स्थल के अनेक सांस्कृतिक विरासत थी, देश की एकता के लिए महत्वपूर्ण कदम था। एकता के प्रतीक सांस्कृतिक विरासतों में एक उत्तराखंड स्थित केदारनाथ धाम का इलाका प्रकृति आपदा में नष्ट हो गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केदारनाथ धाम पुनर्निर्माण कार्य को पूरा कर केदारनाथ धाम का गौरव को पुनः लौटाया गया तथा दिव्य काशी भव्य काशी भारत की महान पुरातन संस्कृति को दुनिया भर में पुनः प्रतिष्ठित करने को कहा। भारत के लोगों के लिए भी ये बहुत बड़ा अवसर है, जब काशी की महिमा व महत्ता और समृद्ध होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की महान पुरातन संस्कृति को दुनिया भर में पुनः प्रतिष्ठित किया है, दिव्य काशी भव्य काशी के सपने को साकार कर रहे हैं। आदिकाल से हमारा देश अनेक पुरातन और साझा संस्कृति को जोड़े हुए दक्षिण भारत में जन्मे आदिगुरु शंकराचार्य देश की एकता को जोड़ते हुए उन्होंने चारों दिशाओं में 4 धाम की स्थापना की। उसी प्रकार से सांस्कृतिक रूप से जुड़ा हुआ भारत के अंदर 12 ज्योतिर्लिंग अलग अलग राज्यों में हमारे यहाँ स्थापित, और आजाद भारत के समय में, और यहाँ कह सकते हैं कि आजाद भारत के पूर्व जो हमारे मान बिंदु के प्रतीक थे, सांस्कृतिक रूप से सनातन भारत जो संस्कृति थी, उस संस्कृति के माध्यम से सांस्कृतिक रूप से पूरा देश एक सूत्र में जुड़ने का, इस प्रकार के चाहे वो ज्योतिर्लिंग के माध्यम से हो, चाहे काम के माध्यम से हो, अनेक प्रकार के संस्कृतियों के माध्यम से हो, इस प्रकार के जो सांस्कृतिक विरासत थे वो देश की एकता के लिए एक कदम थे। और ऐसे में हम सबको आज यह दुखद करते हुए आनंद हो रहा है, 12 ज्योतिर्लिंग में
स्टेट उत्तराखंड में जब आपदा आई थी, आपदा के बाद उत्तराखंड के मार्ग से लेकर के सब कुछ वहाँ ध्वस्त हुआ था, केदार घाटी ध्वस्त हुई थी। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जो विश्व के सबसे प्रमुख नेता के रूप में स्थापित है, उन्होंने केदार घाटी के पुनर्निर्माण करते हुए और केदारनाथ धाम को पुनः उद्धार करने का काम, सांस्कृतिक रूप से भारत को जोड़ने का काम किया। दिसंबर को यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के हाथों दिव्य काशी भव्य काशी कॉरिडोर का लोकार्पण होने जा रहा है, जो बनारस के अंदर बाबा विश्वनाथ का ज्योतिर्लिंग, इस ज्योतिर्लिंग के माध्यम से जो सांस्कृतिक भारत था, सांस्कृतिक भारत में एक भरपूर कड़ी था, चाहे दक्षिण के राज्य के आए हुए धर्मावलंबी हो, चाहे उत्तर भारत के धर्मावलंबी हो, सभी हर स्थानों पर एक दूसरे को जोड़ करके रखने का काम किया। वह बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के हाथों आगामी 13 दिसंबर को इसको लेकर के जहां पूरे प्रदेश भर में, झारखंड प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने सभी प्रखंड स्तर पर जो बड़े मंदिर है, शिवालय है, मठ है, उन मठों में साधु संतों को सम्मानित करते हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता स्थानीय समाज के लोगों को साथ लेकर के लाइव प्रसारण को लेकर के हम लोग देखने का काम करेंगे। उसके पहले कल जो इस प्रकार के मंदिर है, उन मंदिरों में को स्वच्छता की ओर ले जाने की दिशा में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सभी स्थानों पर मंदिरों के साथ स्वच्छता के साथ उनको जोड़ने का काम करते हुए मंदिरों का सफाई अभियान भी चला रही। साहिबगंज, झारखंड, सहेंद्र प्रसाद, R9 भारत। कोडरमा पतंजलि परिवार की ओर से योग क्रांति भवन में एक निशुल्क योग घरेलू उपचार का सेंटर झंडा चौक माइका गली वार्ड नंबर 12 में उद्घाटन किया गया। उद्घाटन के मुख्य अतिथि हरिद्वार से चलकर कोडरमा पहुंचे परम पूज्य स्वामी हंसराज गिरी जी महाराज और विशिष्ट अतिथि प्रधान जिला परिषद शालिनी गुप्ता। ये कार्यक्रम योगी सुषमा सुमन के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर किया गया। योग सेंटर के उद्घाटन से पूर्व योग हवन का कार्यक्रम किया गया, उसके बाद दीप प्रज्वलित किया गया। परम पूज्य स्वामी हंसानंद गिरिजी महाराज, प्रधान जिला परिषद शालिनी गुप्ता, रमेश सिंह, योगी सुषमा सुमन, योगी प्रदीप कुमार सुमन ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इसके बाद मंच संचालन करते हुए योगी प्रदीप कुमार सुमन ने स्वामी हंसानंद गिरिजी महाराज को माला और शॉल उड़ाकर सम्मानित भी किया। इसके बाद जीप अध्यक्ष शालिनी गुप्ता को माला और शॉल और पतंजलि का च्यवनप्राश दे करके योगी सुषमा सुमन ने सम्मानित किया। उसके बाद योग सेंटर का उद्घाटन स्वामी हंसानंद गिरिजी महाराज, जीप अध्यक्ष शालिनी गुप्ता, रमेश सिंह ने संयुक्त रूप से फीता काट कर किया। इसके बाद गायत्री मंत्र का उच्चारण किया गया। स्वामी हंसानंद गिरिजी महाराज ने बताया कि आज मुझे आशीर्वाद देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कोडरमा जिले में घर घर योग पहुंचाना, आयुर्वेद पहुंचाना, दुर्लभ जड़ी बूटी पौधा लगाना, वो भी निःशुल्क, बहुत सराहनीय कार्य है। आज जो भवन का उद्घाटन हो रहा है, इससे गरीब अमीर सभी को लाभ मिलेगा। जिमरी तलैया में पहला ऐसा भवन का उद्घाटन हो रहा है जहाँ निःशुल्क योग सेंटर चलेगा। जीप अध्यक्ष शालिनी गुप्ता ने बताया कि विगत कितने वर्षों से जरूरत थी कोडरमा जिले में योग सेंटर की, वो आज पूरा होते हुए देख रही हूँ। ये सौभाग्य मुझे मिला कि मेरे हाथों से उद्घाटन हो रहा है, मैं भी पुण्य की भागी बनी हूँ। जीप अध्यक्ष शालिनी गुप्ता ने कहा कि योगी सुषमा सुमन और योगी प्रदीप कुमार सुमन के कार्य की जितनी भी सराहना की जाए वो कम है। सुषमा जी के मेहनत का ये परिणाम कि आज हमारे शहर को एक योग सेंटर भी मिल गया। थोड़े से निर्माण के बाद हमारा यह योग सेंटर कईयों को लाभ पहुंचाने वाला है और आज इसी क्रम में हमने इस योगा सेंटर का उद्घाटन किया है। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझती हूँ क्योंकि यहाँ पर जो भी लोग आएंगे स्वस्थ होकर के जाएंगे। तो आज हमारे शहर को प्रदीप जी और सुषमा जी को धन्यवाद करना चाहिए जिन्होंने लगातार अपने पूरे जीवन को योग के प्रचार प्रसार में अपना पूरा समय दे रहे हैं। तो मेरी ओर से इन दोनों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएँ कर रहे हैं और पुनः मंगल कामनाओं के साथ मैं ये प्रार्थना करूँगी कि ये योग सेंटर से सभी को लाभ पहुँचे।
नमस्कार। आज मैं सुषमा सुमन पतंजलि योगाचार्य और आज झुमरी तिलैया नगर झंडा चौक मायका गली में एक योग क्रांति भवन का ऑफिस का उद्घाटन किए हैं और इस ऑफिस योग सेंटर का उद्देश्य है पूरे जिले में जो बीमार व्यक्ति हैं, परेशान हैं या शारीरिक या मानसिक रूप से, तो उनको स्वस्थ कर योग और आयुर्वेद के द्वारा स्वस्थ करना। और चूंकि एक स्थायी जगह की ज़रूरत थी, जगह जगह जा करके हम सिखाते थे लेकिन जब लोग मिलना चाहते थे हम मिल नहीं पाते थे, तो एक ये सेंटर खुला है इसके द्वारा लोगों को हम जो जिस तरह से सेवा देना चाह रहे थे वो सेवा हम दे पाएंगे सही से। और जो भी लोग यहाँ पर योग सीखना चाहेंगे या घरेलू उपचार के बारे में पूछेंगे, एक्यूप्रेशर के बारे में, उनको ये सब बता के ये सब करवा करके लोगों को स्वस्थ लाभ देने का मेरा प्रयास है। और ये और इसीलिए ये कार्यक्रम यहाँ से चलेगा। और ये आज हमारी मुख्य अतिथि जिला प्रधान आदरणीय शालिनी दीदी आकर के इस प्रोग्राम को चार चांद कर दी है। बाकी आप सब भाई बहन आए हैं और आप सबका सहयोग से हम इसी तरह सेवा करते रहेंगे। आप सबका आशीर्वाद हमें चाहिए, साथ चाहिए। रवि छाबड़ा, झुमरी तलैया, R9 भारत। जिले के बोरियो प्रखंड के अंतर्गत बांझी संथाली बांझी बाजार में पुलिस पिकेट का उद्घाटन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा के गरिमामय उपस्थिति में जिला उपायुक्त रामनिवास यादव, पुलिस अधीक्षक अनुरंजन किसपोटा एवं DFO मनीष कुमार, मुखिया स्टीफन मुर्मू के द्वारा संयुक्त रूप से फीता काटकर किया गया। वहीं विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन संकल्पित हैं झारखंड राज्य अपराध मुक्त बनाना है। सुरक्षा दृष्टि से आम लोग सुरक्षित हो सके इसलिए बांझी बाजार में पुलिस पिकेट बनाया गया है जो कि पूरे झारखंड में सुरक्षा के लिए बनाया गया है। आम जनता को किसी तरीके की परेशानी ना हो। पुलिस पिकेट और बांझे का उद्घाटन हो गया है तो और भी जिले में एक दो थे उसके दिशा में क्या कुछ? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी का यह आह्वान है और ये संकल्प लिए हुए हैं कि हम इस जिला को नहीं पूरे राज्य को अपराध मुक्त राज्य बनाएंगे और उसी के तहत चाहे आज बांझी पुलिस पिकेट की स्थापना हो या और भी, आप देख लीजिए कुछ दिनों के अंदर प्रपोजल बढ़ा हुआ है रिवर थाना गंगा नदी में भी, उसका भी बहुत जल्द आपके सामने हम लोग किसी भी समय उसका भी उद्घाटन हम लोग करेंगे। जिड़वावाड़ी थाना को हम लोग इंस्पेक्टर अपग्रेड कर इंस्पेक्टर रेंज के थाना का हम लोगों ने प्रपोजल यहाँ से गया है, वो भी आने वाला है। तीन पहाड़ थाना को नवसृजित नए थाना के रूप में, इस तरह रूपरेखा जो यहाँ से हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय DC साहब ने राज्य सरकार को बढ़ाया है, राज्य सरकार उस पर गंभीर है और आने वाले कुछ दिनों में आपके सामने, जनता के सामने सभी कुछ सामने आ जाएगा। और हम लोगों का एक ही उद्देश्य है, इस सरकार का एक ही उद्देश्य है कि हम लोग अपराध को जीरो ग्राफ पर लाकर खड़ा करें, चाहे राज्य हो चाहे जिला हो। और साहेबगंज जिला को अपराध मुक्त जिला कैसे बनाया जाए उसको लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी भी गहन विचार विमर्श कर रहे हैं और हमारे यहाँ के SP साहब भी आप लगे हुए हैं। और आप देखिए भी कि ये विगत 2 वर्षों से साहेबगंज जिला में अपराध की संख्या काफ़ी कम हुई है और इसके लिए मैं यहाँ के पुलिस अधीक्षक महोदय और सारी पुलिस टीम को बधाई देना चाहते हैं कि जिस लगन से, जिस मेहनत से उन्होंने जनता का विश्वास जीता है और काम किया है, ये सराहनीय कदम।